मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बुजुर्ग से लेकर प्रदेश का बच्चा बच्चा स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो, निरोगी राजस्थान अभियान के पीछे हमारी सरकार की यह मंशा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। गहलोत शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में निरोगी राजस्थान अभियान तथा नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति को लेकर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ का इतना बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो प्रदेश भर के लोगों को फिट रहने और उचित उपचार के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए जल्द ही एक निरोगी हेल्पलाइन शुरू की जाए, जिस पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श आसानी से मिल सके। सितंबर से पहले शुरू हो नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेजों की जल्द स्थापना की समीक्षा करते हुए कहा कि इनके टेंडर, डिजाइन और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर सितंबर माह से पहले इनका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। भरतपुर और चूरू मेडिकल कॉलेज निर्माण की होगी जांच। गहलोत ने भरतपुर एवं चूरू के मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल भवन के घटिया निर्माण और अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया।